हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लो जी, दोपहर का अभी टाइम है। दोपहर के बज रहे अभी 1:15 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे अपने डॉग को ना खाना डालने आई थी। और देखिए, ये जो है पोम्पेरियन है और एक लैब्राडोर है। पोम्पेरियन जो ब्रीड होती है ना, ये बहुत ही खेल कूद वाली होती है, बहुत ही मस्ती करने वाले होते हैं ये। तो अभी इनका जो है ना सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना, वही नहीं हुआ था। आज इनको खाना दिया गया है लेट थोड़ा। तो मतलब ऐसे घर में ना बहुत ही ज़्यादा काम था, तो आज मैंने वहीं पे लगी रही और खाना इनका रह गया था। फिर मैंने बच्चों को नहलाया और उनको सुला दिया अभी। तो इनका खाना मैंने डाल के रखा था, तो मैंने बोला कि अभी डाल देती हूँ। 1 अभी के बाद देखिए, अभी मैं इनको खाना खिला के इनको अभी थोड़ी देर के लिए बाहर रहने दूंगी। और उसके बाद जो है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए मैंने सारे के सारे कपड़े अभी धो दिए हैं। सारा काम मैं ख़त्म करके आई हूँ। जो घर वाला काम होता है ना, वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। तो बचा है अभी काम सिर्फ गाय का। यहाँ पे गाय को पानी वगैरह पिलाना है और आज उसको घास काट के डालना भी है। क्योंकि घास इसलिए डालना है क्योंकि एक हफ्ते मतलब आज 9 हो गया है इसको माँ बने हुए गाय को। तो उसको ना हमने हरा चारा जो है नहीं डाला है। तो आज से हमें परमिशन मिल गई है कि आप इनको जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चारा नहीं डालना है, मीडियम डालना है। तो डालो, मतलब डालना शुरू कर दो। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी घर से आवाज़ आ गई है कि बेबी उठ गया है। तो चलिए अब इनको फटाफट से मैं बंद करती हूँ और बेबी को लेती हूँ घर पे जाके, और फिर मुझे वापस आना है जो है गाय के लिए घास काटने। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने खेत में और यहाँ पे देखिए अभी मैं काटूँगी घास। और ये देखिए हरा भरा घास है बहुत ही ज़्यादा। और अभी गाय को हम घास डालना शुरू कर दी है, तो अभी मैं काटूँगी फिलहाल घास और फिर यहाँ पे कटाई होगी घास की। तो चलिए फटाफट से काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी मैं जा रही हूँ घास काटने। और यहाँ पे देखिए घास ना इतना बड़ा बड़ा हो गया है। और अभी 2 से हमने गाय को घास नहीं डाला था, तो अभी हम धीरे धीरे मतलब अभी डालना शुरू कर दिया है। तो मम्मा जी ने बोला है कि अभी काटना शुरू कर दो, क्योंकि जो ये वाला घास होता ना, ये बार बार पीछे हो जाता है। इसको हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो बरसीन करके पुकारते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है 3-4 जो है घास काटना पड़ता है, तब जाके इसका घास जो है ग्रोथ खत्म होती है। तो अभी तो फर्स्ट ही मतलब जो है इसकी बड़ाई हो रही है। अभी फर्स्ट टाइम अभी इसकी कटाई हो रही है। तो जब एक बार कट जाएगी ना, उसके बाद फिर से दोबारा हो जाएगी, फिर दोबारा एक बार कटाई होगी, फिर तीसरी जो होगी ना उसमें शायद कम निकलेगी, है ना। तो हमें अभी तो फर्स्ट टाइम भी नहीं काटा है, तो देखिए कितना बड़ा बड़ा घास हो गया है अभी। तो बीच में लगाई है सरसों, तो सरसों बीच बीच में से हम इसको थोड़ी सी साइड पे रख लेंगे, ताकि इसका जो बाद में ऑयल वगैरह भी निकालना है। तो बहुत ही ज़्यादा बीच में सरसों है, मूली है, मटर है और बहुत सारा मतलब शलगम है बीच बीच में। तो मतलब वो भी फेंका हुआ है, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, कड़म जो है वो भी है और रेड मूली भी है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना बीच में लगा दी गई हैं। और बीच बीच में हमें अभी कितना सारा मतलब डेली कुछ ना कुछ मूली के परांठे बन रहे हैं, शलगम बन रहा है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बरसीन के अंदर, अगर आप ये सब चीज़ें लगा देते हो ना, तो बीच बीच में मतलब अपने आप ही हो जाता है, हमें इसकी देखभाल करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो देखिए अभी मेरा घास यहाँ पे कट गया है, और अभी मैं फटाफट से इसको उठाकर अभी घास को कट करूँगी। तो आज मैंने पहना है, आप देख पा रहे हो, फर्स्ट टाइम आज मैंने ये वाला सूट पहना है। तो कैसा लग रहा है? घास काट ली है और अभी मुझे करना है कट, और लाइट देखूँगी अभी है कि नहीं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी बहुत सारा कट किया है, इस तरफ भी कट किया है, अभी इसको उठाना है मैंने सिर्फ। तो चलिए अभी फटाफट से मशीन लगाते हैं और कट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, मुझे घर पे भी बहुत सारा काम करना है अभी। तो चलिए, आज हस्बैंड जी ने बोला है कि पिज़्ज़ा बनाना है, तो पिज़्ज़ा बनाते बनाते कहीं शाम ना हो जाए तो ये काम ख़त्म हो जाएगा, तो पिज़्ज़े का स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर चलते हैं घर पर, काम फिनिश करते हैं पहले अपना।
फ्रेंड्स अभी ली गई है और मेरा जो घास है ना वो धरा का धरा ही रह गया है, कट नहीं हो पाया मैंने कि लाइट देखने के लिए चली गई लाइट। तो चलिए अभी चलते हैं घर पे, जब लाइट आएगी तब आऊँगी मैं वापस। तो ये अभी गाय का जो बेबी है ना उसको दूध पिलाना है, तो ये देखिए अभी मैं इसको ना अलग बांधती हूँ, जैसे कि ये सारा दूध पी जाता है आजकल। ये देखिए गाय इस तरफ है और बेबी उसका उस तरफ बांधा हुआ मैंने, अभी इसको दूध पिलाऊंगी, सुबह का इसको दूध नहीं पिलाया, तो चलिए फटाफट से इसको दूध पिला लेते हैं और फिर चलते हैं घर पे, क्या पता लाइट भी आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बछड़े को सुबह का बांधा हुआ है और अभी शाम के 3 बज रहे हैं। जैसे घास वगैरह तो इसको डालते हैं लेकिन ये खाता नहीं है इतना ज़्यादा अभी, तो चलिए अभी इसको दूध पीने के लिए छोड़ दिया है, तो मैं घर से होके आ। तो फ्रेंड्स अभी लाइट जो है ना आ गई है और मैं फिर से देखिए अभी वापस मुझे आना पड़ा है घर से, जस्ट कोई 15 मिनट हो गया मुझे घर पे गए हुए और लाइट आ गई है। तो चलिए अभी फटाफट से जो है मुझे घास काटना है और फिर मुझे डालना है घास, तो चलिए फटाफट से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा जो बसीन है ना उसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे कट, और अभी लाइट जस्ट आई है, मैं जैसे घर पे गई ना तो लाइट आ गई, तो 10 मिनट में अभी घर पे बैठी थी तो लाइट आ गई, तो मुझे ये वाला काम तो फिनिश करना ही था। तो थोड़ा सा मैं घर पे अभी मतलब देख कर आई थी कि सामान जो पिज़्ज़े वाला सामान है वो कहीं कोई कम तो नहीं हो गया है, तो मतलब कोई अगर नहीं होगा तो उसको मंगवा लेती मैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है बरसीन मेरा कट हो गया, अभी मैं फटाफट से गाय को डालूंगी और फिर जाऊंगी घर पे, क्योंकि हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। शाम का समय हम जो खाना है ना दो ही टाइम बनता है फ्रेंड्स, तो वो खाना जो हम बनाते हैं ना सुबह और शाम ही बनता है खाना। और देखिए फिर मैं आ गई थी घास डाल के घर पे, और यहाँ पे देखिए माधव जो है ना यहाँ पे खेल रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी मम्मा जी डाल रहे हैं अचार और मैं जो बर्तन पड़े हुए हैं सुबह के बर्तन साफ किए हुए हैं ये मैं अभी लगाऊंगी अपने अपने रैंक में, तो उसके बाद मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। तो चलिए फटाफट से बर्तन को लगा लेते हैं, बेबी भी रो रहा है, फटाफट से अपना काम जो है शुरू करते हैं, जो शाम की रूटीन है उसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए माधव खेलते खेलते माधव यहीं पे सो गया, और देखिए उसको बांधा हुआ है अभी, हम लेग से बांध देते हैं इसको, तो यहाँ पर सो गया था तो हमने सोचा कि अभी इसको मैं उठा के बेड पर लेके जाऊंगी तो ये फिर से उठ जाएगा, तो इससे बेटर है कि मैं इसको यहीं पे सुला देती हूँ। तो मैंने देखिए वहीं पर सुला दिया, और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में देखिए मैं बना रही हूँ अभी पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े का जितना भी सामान है ना वो मैंने किचन में पहले ही रख के चली गई थी, और सारा का सारा सामान जो है क्रश कर लिया है मैंने, कद्दूकस करके रख लिया है, और फिर मैंने जो क्या बोलते हैं मैदे को मैं मैदे से बना रही हूँ, मतलब हम मैदे का थोड़ा पसंद करते हैं, कभी कभार खाना पड़ता है, तो आज तो मतलब ऐसे तो बाहर से मार्केट से खाते थे, आज मैं खुद अपने हाथों से बना रही हूँ। ये इतना मुश्किल नहीं है पिज़्ज़ा बनाना, लेकिन सबकी फरमाइश पे आज मैंने देखिए 3 पिज़्ज़ा बना दिए, और पिज़्ज़ा बनाया मैंने जैसे गाजर है और बंद गोभी है और साथ में मटर है, थोड़ी सी मशरूम है, जिस सब चीज़ें लेकर मैंने जो है पिज़्ज़ा बनाया, और साथ में मैंने लिए हैं कॉर्न, वो कि मुझे 35 रुपीज़ में मेरे को पाव मिल गए थे शायद, कि उससे आधा मिल गया था मुझे, आधा पाव मिल गए थे, पता नहीं मुझे इतना मैंने कंफर्म नहीं किया लेकिन मिल गए थे, बहुत ज़्यादा मिल गए थे 35 रुपीज़ में। और ये 10 के पाउच हैं जो आप बेस देख रहे हैं ना, जैसे मसाला पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा मसाला है, पिज़्ज़ा मिर्च जो होती है वो, और साथ में जो है चीज़, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं, और साथ में मैंने ले लिया था शिमला मिर्च भी है यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो दूर से अभी कैमरे में कम दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है बहुत ज़्यादा, अभी 5:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं अंदर हूँ किचन में लगी हूँ बनाने के लिए, और आज मैं बनाऊँगी ओवन में पिज़्ज़े को, क्योंकि हमारे घर में अगर ओवन नहीं होता तो मैं इसको चूल्हे पे भी बना लेती। अगर आप चाहते हैं कि मैं चूल्हे पे भी बना के दिखाऊँ आपको तो मैं चूल्हे पे भी बना दूँगी। होता है ना कभी कभी कि हमारे घर में भाई ओवन ही नहीं है तो हम पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, है ना, लेकिन सामान होना चाहिए आपके पास, पिज़्ज़ा तो अपने आप ही बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार आपको पिज़्ज़ा मतलब ऐसे चूल्हे पे भी बना के दिखाऊँ, चाहे
चाहे कढ़ाई में बनाऊँ चाहे आप कुकर में बनाऊँ। तो अगर चाहते हो कि मैं बना के दिखाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। फ़िलहाल मेरे पास जो है ओवन है, तो मैं ओवन में बना लूँगी। यहाँ पे मैं मसालों को छिड़क रही हूँ, थोड़े थोड़े से छिड़कूँगी, ज़्यादा नहीं। तो अभी जो है मिर्ची का डाला है, थोड़ा डालूंगी मिर्ची क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं। तो सबसे पहले हस्बैंड जी को दूंगी क्योंकि हस्बैंड जी की फरमाइश पे आज पिज़्ज़ा बन रहा है, और घर वालों को तो टेस्ट करवाना ही करवाना है क्योंकि होता है ना, बोलते हैं कि घर पे चीज़ भाई अच्छी कहाँ बनती है जो मार्केट वाले बना सकते हैं। तो मार्केट वाले इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन अपने हाथों से बनाओगे ना तो हमेशा अच्छा ही चीज़ डालोगे। जैसे वो क्या पता क्या डाल देंगे, कौन सा ऐसा मसाला जो है हमें पसंद ना हो वो डाल दें। तो ऐसे अपने स्वाद अनुसार जो भी चीज़ आपको डालनी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा पिज़्ज़ा बीच में गोल गोल घूम रहा है और पिज़्ज़ा बन रहा है। और पिज़्ज़ा क्या बना रहे हो? हाँ, क्या कैंडी? इसमें क्या था? ये कैंडी। कैंडी है ये? हाँ। कैंडी नहीं होती है, जैम्स होता है। बोलो जैम्स, बोलो जैम्स। नो हाना। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना बुरा हाल हो गया मेरी किचन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारा जो भी सामग्री होती है डालने वाली पिज्जे के अंदर, सामान जो है ना वो यहीं पे पड़ी हुई है। और अभी जो है मेरा दो पिज्जे हमने बना के खा लिए है। तो एंड में आप सबको पूरी पिज्जा भी दिखाना है, अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा पिज्जा। वाव, बहुत ही अच्छा बनके, मतलब बहुत ही एकदम जो घर का पिज्जा होता है ना वो इस तरह का ही होता है। ये देखिए, ये देखिए, तो लो जी फ्रेंड्स मेरा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। और पिज़्ज़े में अभी मैं लगाऊंगी जो कि म्यूनिस है, ये तो ये म्यूनिस क्रीम है, ये मैं डालूंगी। ऊपर से मैं डालूंगी सॉस थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए सबको अभी मैं दे रही हूँ और बहुत ही मज़े, मतलब माबे को तो इतना पसंद आ गया कि माबे जब भी देखो मम्मा, मैं पूछूँगी माबे क्या खाओगे, मम्मा पिज़्ज़ा। बच्चों को ये चटपटी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, इतनी ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं देती उनको खाने के लिए। लेकिन ये हस्बैंड जी फरमाइश भी बना था तो हमने भी सोचा भाई खा लेते हैं लगे हाथों। तो आज सबको मैंने ये पिज़्ज़ा खिला के ना थोड़ा सा खुश कर दिया, क्योंकि अब बाहर से अगर लेंगे ना तो 250 रुपये में एक पिज़्ज़ा मिलेगा हमें, 200-250 में मिल जाता है, 150 में भी मिल जाता है, 200 में मिल जाता है, 250 में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबको पिज़्ज़ा इतना पसंद आया कि बैठ के मतलब इतना पेट भर गया था कि हमने जो खाना बनाया था ना वो भी मतलब धरा का धरा रह गया, खाना भी नहीं खाने का मन किया। तीन तीन पिज़्ज़े बने थे, एक एक पिज़्ज़े से हमारा सबका पेट भर गया। तो यहाँ पे देखिए मैं तो बड़े मज़े से खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पिज़्ज़ा एकदम परफेक्ट बना था, पूरा मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बना था। और यहाँ पे ना बैठ के मैं इतने मज़े से खा रही थी, मतलब मेरे से खाया भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा ले लिया था मैंने। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।